तो दो डेट के बीच में जो डिफरेंस निकालने का काम होता है उसके लिए हम डेट डीआईएफ यूज करते हैं, डेट डीआईएफ। इसमें डेट जो है यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ सब्जेक्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू, मैं सब्जेक्ट एफ यू एन अंडरस्कोर टू कर देता हूँ, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे मैं करता हूँ डिम डी ओ बी कॉमा नाउ, मैं कॉमा एज ए डेट कर देता हूँ, तो किसी का एज निकालना है मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैसेज ब्लॉक यहाँ पे डी ओ बी इक्वल टू, मान लीजिए किसी का है 10 अक्टूबर 1990, अब मुझे इस पे क्या करना है, इसमें मुझे मैसेज शो करना है एमएसजी बॉक्स के अंदर कितना इसका ईयर में एज है, तो डेट डी आई एफ, डेट डी आई एफ दिख रहा है इसमें डबल एफ होगा, डेट सिंगल एफ जो होता है वो एक्सेल का फॉर्म होता है, अगर एक्सेल के अंदर चाहिए तो आपको डेट इफ लगाना पड़ेगा, लेकिन वीवीए में डेट डी आई एफ में डबल एफ होता है, ठीक है। इंटरवल कि आपको इसमें से क्या चाहिए, आपने बोला ईयर चाहिए, डेट वन तो हमने बोल दिया डी ओ बी, डेट टू तो हमने बोला डेट, मतलब कि करेंट सिस्टम में, तो क्या आएगा एक तो बार देख लेते हैं। अभी आपको दिख रहा है 11390, क्यों आया ऐसा, क्योंकि ये आपका डेट डी आई एफ फॉर्मूला में सिर्फ वाई अगर लगाते हैं तो वो जाता है ईयर डे ऑफ ईयर, लेकिन इसी में मैं अगर 4 बाय वाई कर देता हूं तो आप देखेंगे ये आपको देगा 31 यानी कि ईयर। उसके अलावा इसमें अगर मैं मान लो मुझे मंथ चाहिए तो एमएम कर दिया तो मुझे यहाँ पे मंथ देगा, एक एम करना है 2 एम मंथ देगा। डिवाइड बाय 12 करेंगे तो वो इसमें हम वाई एम करते हैं, जैसे मैं एक्सेल में करते हैं, नहीं, एक बार देखता हूँ उसका ईयर मंथ नहीं आएगा, नहीं। मतलब कि एक्सेल में क्या है, एक्सेल में अगर हम बात करें, एक्सेल में हमारे पास होता है डे, यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे 10 अक्टूबर 1990 कर दिया और मुझे इसमें टुडे आगे सिस्टम डेट, तो इसमें मुझे क्या करना है डेट डीआईएफ लगाना है, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, इसमें हमने वाई लगा दिया तो ईयर आएगा। अब मुझे वापस सेम फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूँ डेट डी आई एफ और इसमें इसको सेलेक्ट किया कॉमा, इसको सेलेक्ट किया और इसमें मैंने बोल दिया वाई एम, तो इस बार क्या होगा वाई एम में इसमें 2 साल, दो जो दिख रहा है 2 महीना है, 31 साल के बाद का 2 महीना, बट वीवीए में हमारा आर्टिकल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, ठीक है नहीं है कुछ, तो वही जो आपने डेटा डिफरेंट लगाया था वही फॉर्मूला इसमें भी लगेगा। तो वापिस वहां पे अगर हम जाए वो सब प्रोसीजर देखें वापिस, मतलब जो डेट हो वो तो नंबर फॉर्मेट